फीट करेंगे राम के शेयर्स को, 500 शेयर्स हैं। फॉर फ्यूचर के लिए शेयर कैपिटल हमारा डेबिट होगा कॉल्ड अप वैल्यू से। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है 500 शेयर्स पे हमने सारा पैसा मांगा है, पूरे 50 रुपए मांगे हैं, यानी कि कॉल्ड अप वैल्यू हमारी 25,000 है, जिसमें से उन्होंने क्या क्या नहीं दिया अनपेड, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे देखो पैसा नहीं दिया है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा नहीं दिया 7,500, एंड शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल पे कितना पैसा नहीं दिया 5,000, और बाकी का पैसा पेड होगा, जो पेड है वो कहाँ जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, कितना जाएगा 12,500। ओके, तो हम लोग आते हैं अपने नए क्वेश्चन पे। फास्ट फूड लिमिटेड, फास्ट फूड लिमिटेड ने इशू किए हैं 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच एट पार। 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए गए हैं, ठीक है, एट पार पे, जिनकी जो फेस वैल्यू है वो कितनी है ₹50। एप्लीकेशन 15, अलॉटमेंट 10, फर्स्ट कॉल 15 और फाइनल कॉल 10। प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन में, राम होल्डर ऑफ 500 शेयर्स डिड नॉट पे अमाउंट ड्यू ऑन बोथ कॉल्स, बोथ कॉल्स मींस फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। दीज 500 शेयर्स वर फॉरफिटेड बाय द बोर्ड एंड 300 शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹55। क्या बता रहा है कि 500 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, जिसकी वजह से उनको फॉरफिट किया, और लेटर ऑन उसमें से 300 शेयर्स रीइशू किए गए, जिसमें जिनको ₹55 पर शेयर पे इशू किया गया है। क्वेश्चन में जैसा बताया वैसे हम टेबल ड्रॉ करेंगे। 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए गए हैं ऑफ ₹50 एट पार, एप्लीकेशन भी 15, अलॉटमेंट 10, फर्स्ट कॉल 15 एंड फाइनल कॉल 10। प्रॉब्लम क्या आई है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है कि एक शेयर होल्डर है जिसको हमने 500 शेयर्स अलॉट किए हैं, उसने 500 शेयर्स पे पैसा नहीं दिया। कौन कौन सा, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, बोथ कॉल बोला गया है। बोथ कॉल का मतलब फर्स्ट एंड फाइनल, ये दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया। यहां पे ₹15 के अकॉर्डिंग 7,500 और यहां पे ₹10 के अकॉर्डिंग ₹5,000 नहीं मिले, ठीक, बाकी सारा पैसा बराबर मिला है। तो देख लेते हैं, टेबल फिल करते हैं हम, हमारे बैंक में कितना पैसा आया और शेयर कैपिटल पे कितना ड्यू हुआ, ये सारा देखेंगे। 10,000 शेयर्स पे ₹15 के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन पे पैसा आया है हमारी बैंक में, कितना आया 1,50,000, कितना 1,50,000। ये फर्स्ट एंट्री बनेगी हमारी, सेकेंड एंट्री शेयर कैपिटल की होगी, यहां भी 1,50,000, 10,000 × 15, ये हमारी सेकेंड एंट्री होगी। थर्ड एंट्री यहां पे बननी है, तो अब देखेंगे अलॉटमेंट पे शेयर कैपिटल का कितना पैसा ड्यू हो रहा है, 10,000 शेयर्स पे ₹10 के अकॉर्डिंग 1,00,000, और वही पैसा हमारे बैंक में आएगा जो कि हमारी फोर्थ एंट्री होगी। उसके बाद शेयर कैपिटल का पैसा हमारा ड्यू होगा फर्स्ट कॉल के नेम से, 10,000 शेयर्स पे ₹15 के अकॉर्डिंग 1,50,000, ये हमारी फिफ्थ एंट्री होने वाली है। जिस टाइम पे ड्यू होगा उसके बाद ये पैसा जब रिसीव होगा, सिक्स्थ एंट्री में पैसा रिसीव करने की बारी आएगी, तब हमें पता चला कि ₹7,500 नहीं मिल रहे हैं 500 शेयर्स पे। इट मींस 150 में से 7,500 आपने माइनस कर दिया, डिडक्ट कर दिया, तो कितना मिलेगा 1,42,500।
ये आएगा हमारे बैंक में। नेक्स्ट सेवेंथ एंट्री, शेयर फाइनल कॉल पे शेयर कैपिटल का अमाउंट ड्यू होगा 10,000 शेयर्स पे 10 रुपीज की अकॉर्डिंग 1 लाख, और वही पैसा लेटर ऑन हमारे बैंक में रिसीव होगा। तो रिसीविंग के टाइम पे पता चल रहा है कि उसी शेयर होल्डर ने फिर से पैसा नहीं दिया, तो 500 शेयर्स पे 10 रुपीज के अकॉर्डिंग 5,000 नहीं मिले। इट मीन्स 1 लाख में से 5,000 माइनस किया कितना आया 95,000। ठीक है, ये हमारी 8th एंट्री होगी। तो हम जनरल एंट्रीज बना ले अपनी। सबसे फर्स्ट जनरल एंट्री हमारी होने वाली है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट होगा, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट होगा कितना 1,50,000 से। सेकेंड एंट्री में ये पैसा हमारा ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, मीन शेयर एप्लीकेशन क्या होगा डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 एंड 1,50,000। थर्ड एंट्री, उसके बाद अलॉटमेंट पे पैसा ड्यू हो रहा है शेयर कैपिटल का, थर्ड एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पैसा ड्यू होगा अलॉटमेंट का 1,00,000 रुपीज, एंड अलॉटमेंट का पैसा जब रिसीव होगा तो हमारी फोर्थ एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और शेयर अलॉटमेंट क्या होगा क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पूरा पूरा 1,00,000 रिसीव करेंगे हम। फिफ्थ एंट्री, फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू किया जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट ड्यू हो रहा है 1,50,000। लेटर ये फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करेंगे तो हम कितना रिसीव कर रहे हैं केवल 1,42,000, बैंक में कितना आ रहा है 1,42,000, तो एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना पैसा आ रहा है 1,42,500। तो ये हमारी 6 एंट्रियां बन गई। अब 7th एंट्री पे आते हैं। हमारी 7th एंट्री क्या बनने वाली है, फाइनल कॉल का पैसा ड्यू हो रहा है शेयर कैपिटल का, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ड्यू होगा कितना 1,00,000। लेटर जब ये पैसा रिसीव होगा बैंक में तो कितना आ रहा है सिर्फ 95,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा हमारा 95,000 से, बैंक अकाउंट डेबिट 98,000 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 95,000। तो ये हमारी 8 बेसिक एंट्रीज बन गई। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला गया है कि इन शेयर्स को क्या किया है फॉरफिट किया है, तो इनकी फॉर फ्यूचर की एंट्री बना ली।
फीट करेंगे राम के शेयर्स को, 500 शेयर्स हैं। फॉर फ्यूचर के लिए शेयर कैपिटल हमारा डेबिट होगा कॉल्ड अप वैल्यू से, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है 500 शेयर्स पे हमने सारा पैसा मांगा है, पूरे 50 रुपए मांगे हैं, यानी कि कॉल्ड अप वैल्यू हमारी 25,000 है, जिसमें से उन्होंने क्या क्या नहीं दिया, अनपेड फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे देखो पैसा नहीं दिया है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल भी कितना पैसा नहीं दिया 7500, एंड शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल पे कितना पैसा नहीं दिया 5000, और बाकी का पैसा पेड होगा, जो पेड है वो कहां जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, कितना जाएगा 12,500। ओके, ये हमारी फॉर फ्यूचर की एंट्री हो गई। लेटर इसमें से 300 शेयर्स को रीइशू किया गया है, कितने शेयर्स को 300 शेयर्स को रीइशू किया गया है फॉर ₹55 पर शेयर। जब रीइशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट। 300 शेयर्स को रीइशू किया गया है 55 पे, इट मींस कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा बैंक में 16,500। ओके, जबकि जो शेयर कैपिटल की वैल्यू, जो शेयर की एग्जैक्ट वैल्यू है वो कितनी है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 300 शेयर्स 50 रुपीज के अकॉर्डिंग कितने के होने वाले हैं 15,000। तो 15,000 शेयर्स को 16,500 पे दिया है, इट मींस 1,500 रुपए ज्यादा लिए हैं। अगर किसी भी शेयर्स पे हम ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, क्या बोलेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं। यहां 3 शेयर्स को हमने किस पे इशू किया है, प्रीमियम पे इशू किया है। ओके, एंड लास्ट जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट है शेयर फॉर फ्यूचर में से, जो शेयर फॉर फ्यूचर पे हमने प्रॉफिट जब किया था उसमें से अगर कुछ अमाउंट यूज किया है तो ठीक, अदरवाइज रिमेनिंग बैलेंस कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाना है ये हम कैलकुलेट करेंगे अभी। 12,500 ये फॉर फ्यूचर बैलेंस कितने शेयर्स का है, 500 शेयर्स का, जबकि हमने रीइशू किए हैं केवल 300 शेयर्स। तो हमें 300 शेयर्स का फॉर फ्यूचर बैलेंस जानना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 500 से डिवाइड करेंगे एंड देन 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 7,500 ये आ रहा है। इसमें से क्या कुछ अमाउंट यहाँ यूज किया है हमने, नहीं, इट मींस कंप्लीट अमाउंट हमारा कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में 7,500। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व।